कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। त्योहारों से पहले शहर की सारी सड़कों को दुरुस्त करने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। आइए जानते हैं क्या है इस पर कहना स्टैंडिंग कमेटी के पूर्व चेयरमैन राजेश वधरिया का। काफ़ी लंबे समय से ये देखने को मिला था कि पावर लाइन का जो परिसर है, जो रास्ता है, काफ़ी हालत खस्ता थी। अब किस तरीके से काम किया जा रहा है और ये जो काम किया जा रहा है कितने समय तक जो है टिका रहेगा, जिस तरीके से गारंटी जो था दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले, तो किस तरीके के बेस पे काम किया जा रहा है? देखिए, ऐसे तीन रोड हैं, एक नेहरू चौक से फालवा लाइन, एक VTC ग्राउंड से मातामाणी मंदिर, राजामाणी मंदिर कुछ नाम है उधर का, और एक श्रीराम चौक है, एक कुर्ला कैंप चौक है। ये काफ़ी रास्ते हमने बनाए थे जिसमें 3 साल का गारंटी पीरियड कॉरपोरेशन ने कंडीशन डाला है और उस कंडीशन के हिसाब से ही हमने इनसे ये रोड बनवा के लिया है। बारिश और बारिश के बाद में लॉकडाउन, दोनों तकलीफें साथ में थी, तो इस वजह से काम शुरू नहीं हो पा रहा था, डांबर की तकलीफें थी। अभी इनको पूरा फॉलो अप करके, क्योंकि ऊपर से दिवाली भी है तो लोगों को दिवाली के समय पे तकलीफ ना हो, इसके लिए ये जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी से हम लोग ये रोड बना के ले रहे हैं और इसके लिए महानगर पालिका को इनको 1 रुपये का भी भुगतान नहीं करना होगा। ये 3 साल की गारंटी पीरियड के अंदर ही काम हो रहा है और ये काम अगर आज रात को इनका ये पूरा हो गया तो फिर ये लोग इसके बाद श्रीराम चौक पर भी जाएंगे। वगैरह सर, यहाँ पर पानी की पाइपलाइन की काफ़ी लीकेज है, पानी का भी वेस्टेज होता है और जिस तरीके से काम किया जाता है तो रास्ता अधिकतर जो उसी में भी खराब होता है, तो उसके ऊपर किस तरीके से? एक ही लीकेज है, वो शेरे पंजाब होटल के आगे उधर, जो मैंने वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट को उसके फोटोज़ भेजे हैं और उम्मीद करता हूँ वो कल बन जाएगी, तो कल बनने के बाद इमिडिएटली फिर वहाँ वो पैच भी हम लोग भरवा देंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।